हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट, हमने बताया था कि लास्ट वीडियो में कि प्रेजेंट टेंस को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। इसका फर्स्ट पार्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी के बारे में सीखेंगे। ठीक है, हिंदी में भी देख लेंगे उसको पहचान क्या होता है, तभी हम इंग्लिश में बना पाएंगे। विकास, वी आर फ्रॉम हिंदी मीडियम। ठीक है, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। अब इसका पहचान क्या होगा हिंदी में, ता है, ती है, ते है, ताहू, ती हूँ। मतलब हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, ती हूँ होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान होगा। ओके, अब ये देखेंगे सेंटेंस कैसे बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो हम तीन तरीके के या तीन प्रकार के सेंटेंस बनाना सीखेंगे, एक अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। आई विल टेल यू फर्दर, आगे मैं बताऊंगा। तो अफर्मेटिव बनाने जा रहे हैं, इससे पहले देख लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे उस समय स्ट्रक्चर फॉलो होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड वगैरह वगैरह। ओके, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, फिलहाल इतने में ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सब्जेक्ट हुआ और फर्स्ट फॉर्म एस आई एस, तो नोट करके लिख लीजिए यहाँ पर नोट। ठीक, यदि सब्जेक्ट में सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन बोले तो, थर्ड पर्सन क्या है हमारा, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हम लिखवाए थे, पर्सन है ना, ही सी इट। ओके, ही सी इट या फिर एनी नेम, कोई भी नेम, ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में होता है, यू नो ऑलरेडी। ओके, यदि सब्जेक्ट में सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन आता है ही सी इट एनी नेम, तब वर्ब के साथ एस या फिर एस लगाते हैं, इसको माइंड कीजिएगा। ओके, ठीक है, चलिए इतना नोट डाउन कर लीजिए आप लोग भी। ओके डियर स्टूडेंट, वन मोर टाइम, पर्सन को देख लीजिए, सिंगुलर नंबर ये प्लूरल नंबर। ओके, ये फर्स्ट पर्सन हुआ, सिंगुलर का या प्लूरल का फर्स्ट पर्सन है ना। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैंने कहा, इसमें ही सी इट एनी नेम होगा। ठीक है, यदि सब्जेक्ट में ही सी इट, सब्जेक्ट जगह पर सब्जेक्ट रूप में ये सब यूज होता है, तो वर्ब के साथ एस या फिर बी एस पुटअप कर देंगे, है ना। ओके, अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं हम लोग। वह पुस्तक पढ़ता है, हिंदी वाक्य का अर्थ क्या आया, ता है आया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, है ना। वह पुस्तक पढ़ता है, अब इसको चलिए बनाइए स्ट्रक्चर में, फॉलो करिए इसको, है ना, स्ट्रक्चर को देखते हुए चलिए। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, वह पुस्तक पढ़ता है, कौन सब्जेक्ट, सॉरी, कौन पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने वाला कौन है, वह, तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा, ये होगा सब्जेक्ट। ठीक है, वह क्या करता है, वह क्या करता है, पढ़ता है, वह पढ़ता है, पढ़ने काम कर रहा है ना, तो ये क्या होगा हमारा, वर्ब होगा। वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, पुस्तक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समझ में आ गया। वह कौन पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है सब्जेक्ट होगा। वह क्या करता है, पढ़ता है, पढ़ने काम करे तो वर्ब होगा। क्या पढ़ता है, पुस्तक, तो पुस्तक क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट। ओके डियर, तो चलिए इसको आप स्ट्रक्चर में फॉलो कीजिए, आप बनाइए इसको, बनाकर देखिए, चलिए बनाते हैं इसको। वह पुस्तक पढ़ता है, ही, वह लड़का है, का है ना, तो ही आएगा। अब क्या करता है, पढ़ता है, क्या मतलब पढ़ना होता है, रीड। अब ये देखेंगे ही सी इट एनी नेम क्या होता है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन होता है, इसलिए वर्ब के साथ हमने यहाँ एस पुट अप कर दिया। ही रीड्स, क्या पढ़ता है भाई, पुस्तक पढ़ता है, ही रीड्स अ बुक, ये हुआ आंसर, ही रीड्स अ बुक। चलिए एक और देखते हैं,
एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए, हम अंग्रेजी सीखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, ये देखिए, कौन अंग्रेजी सीखते हैं, हम अंग्रेजी सीखते हैं, तो सब्जेक्ट क्या होगा, हम, मतलब वी। हम क्या करते हैं, सीखते हैं, क्या मतलब सीखना होता है, लर्न, ओके। हम क्या सीखते हैं, अंग्रेजी, इंग्लिश, ओके, फुल स्टॉप, वी लर्न इंग्लिश। अब ये देखिए, वी जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, ये ही सी इट की तरह सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में नहीं है, इसलिए वर्ब के साथ एस या एस पुट अप नहीं किए हम, वी लर्न इंग्लिश, ओके डियर, आई होप यू अंडरस्टैंड। डियर स्टूडेंट, अब हम निगेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अब निगेटिव बना रहे हैं मतलब नकारात्मक सेंटेंस बनाएंगे, मतलब किसी काम का नहीं होने का भाव व्यक्त होगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर नॉट पुट अप करेंगे आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। डू डज क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात यह है कि डू और डज कहाँ कहाँ यूज होगा, मैं बता दूँ कि डू का यूज और डज का यूज कहाँ करना है, ओके। हमको ये समझना है कि डज का यूज कहाँ करना है, सबसे पहले डज का यूज होगा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन, बोले तो ही सी इट, एनी नेम के साथ यूज होगा, बाकी सब के साथ डू का यूज होगा, ओके, दैट्स क्लियर, समझ में आ गया, ही सी इट एनी नेम सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ डज लगेगा, बाकी सब के साथ डू पुट अप कर देंगे हम, उसके बाद हमें क्या ऐड करना होगा, नॉट, तो नेगेटिव सेंटेंस बनता जाएगा। लेट सी एग्जांपल, ये देखिए एग्जांपल, तुम बाजार नहीं जाते, यहाँ नहीं आ गया मतलब नॉट आ गया, है ना, नेगेटिव सेंटेंस बन गया, तुम बाजार नहीं जाते हो, हाउ कैन यू डू दिस, कैसे करोगे आप, तुम बाजार नहीं जाते हो कैसे बनाओगे, तो चलिए सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम, क्या मतलब तुम होता है, यू, ठीक है, और यू के साथ क्या पुट अप करेंगे, डू, क्योंकि यू सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन नहीं है, यू डू नॉट, क्या मतलब जाना होता है, गो, गो मतलब जाना, ये वर्ब हुआ, यू डू नॉट गो टू मार्केट, बाजार मतलब मार्केट, मार्केट मतलब बाजार, है ना, यू डू नॉट गो टू मार्केट, आप बाजार नहीं जाते हैं या फिर तुम बाजार नहीं जाते हो, ये कंप्लीट हुआ। चलिए लेट सी वन मोर एग्जांपल, चलिए बिफोर यू ऑल वन मोर एग्जांपल इज हियर, सीमा खाना नहीं बनाती है, सीमा खाना नहीं बनाती है, कैसे बनाओगे, अब सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए, तो सब्जेक्ट क्या है, सीमा, तो यहाँ पर हम सीमा लिख देंगे, सीमा, सीमा एनी नेम मतलब सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हुआ, इसलिए इसके साथ डज लगाएंगे, सीमा डज नॉट, तो क्या मतलब खाना बनाना होता है, कुक, सीमा डज नॉट कुक, फूड कर दीजिए तो भी चलेगा, ओके, सीमा डज नॉट कुक फूड, सीमा खाना नहीं बनाती है, सीमा डज नॉट कुक फूड, ओके डियर, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, ओके, कीप लर्निंग, ओके, ट्राई टू डू एंड नोट डाउट दिस इन योर नोटबुक। डियर स्टूडेंट, अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, ओके, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए हेल्पिंग वर्ब को सामने में पुट अप कर दिए हमने, डू और डज हेल्पिंग वर्ब है, इसको सामने रख दिए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, विदाउट क्वेश्चन मार्क वी कांट मेक एनी काइंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, माइंड इट फॉर एवर, ओके, बिना क्वेश्चन मार्क के हम इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते, इसको माइंड कीजिएगा, ठीक है, हम देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सामने में क्या लगाकर बना रहे हैं, क्या लगाकर बना रहे हैं, क्या लगाकर, क्या, क्या तुम बाजार जाते हो, क्या तुम बाजार जाते हो, इस प्रकार, तो चलिए इसको ट्रांसलेट कीजिए, क्या तुम, कि कौन बाजार जाते हैं भाई, तुम, तुमसे पूछा जा रहा है, तो सब्जेक्ट क्या होंगे, यू, तुम, है ना, अब यू के साथ क्या लगता है, डू, इसलिए यहाँ पर डू यू, वर्ब क्या है हमारा, जाने का, इसलिए गो आ गया, डू यू गो टू मार्केट लाइक दिस, इस प्रकार, ओके,
ठीक है, डू यू गो टू मार्केट, और लास्ट में क्या पुट अप करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, डू यू गो टू मार्केट। चलिए वन मोर एग्जांपल, लेट्स सी। चलिए इस एग्जांपल को देखिए, क्या सीमा खाना बनाती है, क्या सीमा खाना बनाती है। ओके, अब सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, सीमा, और सीमा क्या है, एनी नेम, सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन हो, इसलिए क्या यहाँ डज आ जाएगा। ओके, डज सीमा, डज सीमा, वर्ब क्या है यहाँ पर, बनाने का, खाना बनाने का। ओके, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुक, डज सीमा कुक, क्या बनाती है भाई, क्या मतलब खाना होता है, फूड, डज सीमा कुक फूड, लास्ट में क्या पुट अप कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। ओके, डज सीमा कुक फूड। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, देन आई विल गिव यू होमवर्क टू बी डन बाई आउट बाई यू ऑल, गेट रेडी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। डियर स्टूडेंट, दिस आर होमवर्क फॉर यू ऑल, ओके, गेट रेडी, ट्राई टू डू। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, वह गाना गाती है, क्या हम फिल्म देखते हैं, बबली खाना नहीं खाती है, तुम आम नहीं बेचते हो, इसको करके दिखाइए। ओके, बाय बाय।